उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा के प्रसिद्ध रंगजी के बड़ा बगीचा से वेंकटेश मंदिर छोटा खटला के महंत की पत्नी का शव संदिग्ध अवस्था में कुआघर से बरामद हुआ। महंत की पत्नी मंगलवार दोपहर से लापता थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि वेंकटेश मंदिर छोटा खटला की महंत नारायण पर पन्नाचार्य उर्फ नवीन की पत्नी वैजयंती शर्मा उम्र करीब 32 वर्ष मंगलवार की सुबह घर से कहीं चली गई थी। महंत द्वारा उसे काफी तलाशा गया लेकिन कोई पता नहीं चल सका। बुधवार की दोपहर महंत खोजते समय मंदिर के कुआ घर में पहुंचे तो सब करीब 40 फुट गहरे कुएं में पड़ा दिखाई दिया। महंत द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बिहार की रहने वाली मृतका की शादी 14 वर्ष पूर्व महंत नवीन से हुई थी, जिनका अभी तक कोई बच्चा नहीं है, जिससे मृतका तनाव में रहती थी। मथुरा से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा की खास रिपोर्ट। नवीन शर्मा, क्या मामला है? हमारी पत्नी कल सुबह से मिसिंग थी और इधर उधर ढूंढा, थाने में भी कंप्लेन किया और कोई जानकारी, जब सभी जगह वृंदावन में परिक्रमा मार्ग, केसी घाट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि, जो भी जहां जैसे जिस भी प्रकार से, आज सुबह FIR की कॉपी भी लेके आए थे दोपहर में। फिर रंगजी चौकी इंचार्ज जो हैं उनसे मिलने जाना था। फिर भी ये मंदिर इतना बड़ा है, घर मंदिर जो कहें, इसकी हर रास्ता हर जगह बार बार देखना न मन करते हुए, कभी हम देखें, कभी माँ देखें, कभी कोई इस तरह से। तो फिर भी अभी इस समय भी कि शायद सोचा, ये भी मन में आया क्या करें कैसे। तो अभी हमने जैसे कि सब जगह देखना, तो यहाँ फिर हम देख रहे थे कुएं में किसी तरह से, तो शायद ऐसा महसूस हुआ, प्रतीत हुआ कि कोई किसी का सिर ऐसे ऊपर का इतना बाल काला काला नज़र आ रहा था। कितने वर्ष हो गए आपकी शादी? करीब 13-14 वर्ष। बच्चा भी कुछ नहीं? बाल पुलिस मौके पर आ चुकी है जी। हाँ, पुलिस को हमने सूचना जाकर।